मैं भी सोचता विजुअल फिट कंप्यूटर जो है कि ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं सर। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके पिछले टॉपिक से, जैसे आपने पिछले टॉपिक में देखा कि सीएसटी क्या होता है, और आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि ये बहुत पहले हम लोग करते थे। यानी अभी आपको मैं जीएसटी के टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि सारे पुराने टैक्सेस को आप पहले जान ले। तो अभी आपने सेल टैक्स देख लिया, वैट देख लिया, सीएसटी देख लिया, आज हम जानेंगे सर्विस टैक्स के बारे में स्टूडेंट। तो सर्विस टैक्स का हिस्ट्री क्या है, सर्विस टैक्स का रेट क्या लगता है, सर्विस टैक्स की एंट्री कैसे की जाती है, उसका कैलकुलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं लोग सर्विस टैक्स। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स क्या होता है। तो आज हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि सर्विस टैक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी आज के डेट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, तो ये टॉपिक आपके सामने है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सर्विस टैक्स। नंबर वन हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सर्विस टैक्स, यानी सर्विस टैक्स का इतिहास क्या होता है। नंबर टू जानेंगे टैक्स रेट इंक्रीज 3 times इन 22 years, यानी सर्विस टैक्स 22 साल पहले कैसे कैसे इंक्रीज किया गया। नंबर थर्ड जानेंगे सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन फॉर टर्नओवर बिलो 10 lakh, यानी सर्विस टैक्स 10 लाख के ऊपर कैसे लगता है या नहीं लगता है, इनके बारे में जानेंगे। नंबर फोर्थ, व्हाट इज द सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स होता क्या है। एंड नंबर फाइव जानेंगे सर्विस टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिया, सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन इंडिया में कैसे किया जाता है। नंबर सिक्स जानेंगे कैलकुलेशन रिपोर्ट फॉर सर्विस टैक्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स क्या है। एंड हिस्ट्री ऑफ सर्विस टैक्स इज द फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ सर्विस टैक्स का इतिहास क्या है। द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 21 years बैक ऑन July 1, 1994 एट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर राजा चालिया कमेटी ऑन द टैक्स रिफॉर्म्स। The introduction of this levy in India can be termed as millstone in Indian tax history. This is also an indicator of for seriousness and thoughtfulness of the reform economics and the government of India. The tax collection figures themselves state the success story of service tax. Some of the tax collection data are given under here. Change para. 1 July 1994, the service tax was introduced on 3 services only. These are where telephone services, non-life insurance services and stock broker services. From July 1, 2012, at the concept of negative list remain has been introduced, the meaning of thereby that all the services other than those the maintained in this negative list as per section 66D as the Finance Act 1994 as inconnected by the Finance Act 2012 are liable to service tax if not especially exempted otherwise. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। सर्विस टैक्स का इतिहास क्या है। डॉक्टर राजा चालिया समिति की सिफारिशों पर लगभग 21 साल पहले 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर लागू किया गया था। भारत में इस लेवी की शुरुआत को भारतीय कर इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। यह भारत को सुधारकों, अर्थशास्त्रियों और सरकार की दूरदर्शिता और विचारशीलता का भी परिचायक है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़े खुद सर्विस टैक्स की सफलता की कहानी बयान करते हैं। कर संग्रह के कुछ आंकड़े यहां दिए गए हैं। 1 जुलाई 1994 को केवल 3 सर्विसेज पर सेवा कर लागू किया गया था। ये टेलीफोन सेवाएं, गैर जीवन बीमाएं और स्टॉक ब्रोकर सेवाएं थी। 1 जुलाई 2012 से
नकारात्मक सूची व्यवस्था की अवधारणा शुरू की गई। इसका मतलब यह है कि नकारात्मक सूची वित्तीय अधिनियम 2012 द्वारा अधिनियमित वित्तीय अधिनियमित 1994 की धारा 66D के अनुसार में उल्लेखित सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं सेवा कर के लिए उत्तरदायी है, यदि अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है। द सर्विस टैक्स रेट द 3 times in 22 years। द सर्विस टैक्स रेट इंक्रीज फ्रॉम 5% इन 1994 टू 15% इन 2016। इन अदर वर्ड्स, सर्विस टैक्स रेट हैज ट्रिपल्ड इन 22 years। द सर्विस टैक्स रेट वॉज मोर आर लेस कंटेन एट 5% फ्रॉम 1994-1995 टू 2002-2003। द नंबर ऑफ सर्विस टैक्स अंडर द टैक्स नेट इंक्रीज इन ईच ईयर। इन 2003 द सर्विस टैक्स रेट वॉज इंक्रीज बाय 60% फ्रॉम 5-8%। इन द नेक्स्ट ईयर इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 8-10%। एजुकेशन सेस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2004 बाय द UPA गवर्नमेंट। इन 2004 एज 2% एजुकेशन सेस ऑन द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन हैंस द नेक्स्ट टैक्स रेट बिकम 10.2%। इन 2006 द सर्विस टैक्स रेट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10-12%। इन एडिशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑफ 1% ऑन द सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द नेक्स्ट सर्विस टैक्स रेट बिकम 12.36%। इट रिमेंड एट 12.36% टिल 2009 व्हेन इट वॉज ब्रॉट बैक टू 10-3% अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंट्रोड्यूस GST फ्रॉम 2010। इन 2012 द बेस सर्विस टैक्स रेट वॉज इंक्रीज अगेन फ्रॉम 10-12% वाइल टू ओवरऑल सर्विस टैक्स रेट इंक्रीज टू 12.36%। इट्स रिमेंड एट 12.36% टिल 2015 व्हेन द NDA गवर्नमेंट इंक्रीज टू सर्विस टैक्स रेट टू 14%। इंक्लूड द एजुकेशन सेस। इन एडिशन द स्वच्छ भारत सेस ऑफ 0.5% वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टेकिंग द इफेक्टिव सर्विस टैक्स रेट टू 14.5%। इन 2016 and 2017 while to the base rate remains the under change the Krishi Kalyan cess of 0.5% was introduced taking the service tax rate to the 15%। चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। 22 साल में सर्विस टैक्स की दर 3 गुना बढ़ी। सेवा कर की दर 1994 में 5% से बढ़कर 2016 में 15% हो गई। दूसरे शब्दों में सेवा कर दर की 22 वर्षों में 3 गुना हो गई। 1995 से 2002-2003 तक की सेवा दर की दर कामावेश 5% की 5% पर स्थिर थी। हालांकि प्रत्येक वर्ष की दर दायरे के अंतर्गत सेवा की सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई। 2003 में सेवा दर को 60% बढ़ाकर 5-8% तक कर दिया गया। हालांकि अगले साल इसे 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। शिक्षा उपकर पहली बार 2004 में UPA सरकार द्वारा पेश किया गया। 2004 में सेवा कर की दर राशि पर 2% शिक्षा उपकर लागू किया गया था। अतः शुद्ध कर दर 10.2% हो गई है।
2006 में सेवा कर की दर को 10% से बढ़ाकर 12% कर दी गई। इसके अलावा सेवा कर की दर पर 1% का माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकरण पेश किया गया था। शुद्ध सेवा कर दर 12% 36% हो गई। यह 2009 तक और 12.36% पर रहा। जब 2010 से जीएसटी लागू होने की उम्मीद के तहत इसे वापस 10.3% पर लाया गया। 2012 के आधार के दर को फिर से 10 पॉइंट से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जबकि संग्रह सेवा कर की दर बढ़कर 12.36% हो गई। यह 15% तक 12.36% पर रहा, जबकि एनडीए सरकार ने शिक्षा उपकरण सहित सेवा दर को 14% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 10.5% स्वच्छ भारत उपकर की लागू किया गया, जिससे प्रभावी सेवा दर की 14.5% हो गई। 2016 से 17 में जबकि आधार दर अपरिवर्तन रही, तो 10.5% की कृषि कल्याण उपकरण लागू किया गया, जिससे सेवा दर की दर 15% हो गई। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगली टॉपिक देखते हैं। सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन फॉर टर्नओवर बिलो ₹10 लाख। द स्मॉल सर्विस टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। हाउ एवर ए स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर हैज टू ऑप्शन ऑफ एबलेबल सर्विस टैक्स द एग्जेप्शन इन केस द एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज डस नॉट एग्जिट ₹10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। रिकमेंडेड रेट द व्हाट इज सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स रेट इन इंडिया। देयर फोर इन इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज डज नॉट एग्जिट ₹10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर द सर्विस प्रोवाइडर कैन बी क्लेम बेनिफिट ऑफ दिस सर्विसेज टैक्स एग्जम्पशन इन ही वन बी रिक्वायर्ड टू पे एनी सर्विसेज टैक्स ऑन सच सर्विसेज। ऑल दो द सर्विस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एनी ओनली वेन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज द प्रोवाइडेड एग्जिट ₹10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर द सर्विस टैक्स प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विसेज टैक्स विद इन 13 डेज ऑफ हिज टर्नओवर एग्जिटिंग। चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। ₹10 लाख से कम टर्नओवर के लिए सेवा कर में छूट। सेवाओं की नकारात्मक सूची में निश्चित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि एक छोटे स्तर के सेवा प्रदान के पास उस स्थिति में सेवा कर छूट का लाभ उठाने का विकल्प होता है, जब एक वित्तीय वर्ष में कर योग्य सेवा का कुल कारोबार का मूल्य ₹10 लाख से अधिक नहीं होता है। अनुशासित पढ़ें, भारत में सेवा कर और सेवा कर की दर क्या है। इसीलिए यदि सेवा कर का कुल मूल्य रुपए से अधिक नहीं है, एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख सेवा प्रदान इस सेवा कर का छूट का लाभ का दावा कर सकता है और उसे ऐसी सेवाओं पर कोई सेवा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सेवा कर का भुगतान तभी करना आवश्यक है जब प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य रुपए से अधिक हो। एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर सेवा कर प्रदान को 30 दिनों के अंदर सेवा कर के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। चलिए सुन अगली टॉपिक जाने।
सुन, अगली टॉपिक, व्हाट इज द सर्विस टैक्स? सर्विस टैक्स क्या होता है? द सर्विस टैक्स इज टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर ऑन सर्टेन सर्विसेज ट्रांजेक्शन बट इज एक्चुअली बर्न बाय द कस्टमर्स। इट इज क्लासिफाइड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कम इन टू द एक्सिस्टेंस अंडर द फाइनेंस एक्ट 1994। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एजुकेशन सेस टैक्स? द एजुकेशन सेस टैक्स एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस टू बी सब्स्यूम इन द रिवाइज रेट ऑफ सर्विस टैक्स। दस द इफेक्टिव इंक्रीज इन द रेट ऑफ सर्विस टैक्स विल बी फ्रॉम द एग्जिटिंग रेट्स ऑफ 12.36% इंक्लूडिंग सेस टू बी 14% इंक्लूडिंग ऑफ सेस। तो चलिए सुन, इसका मतलब हिंदी में जाने। सेवा कर क्या है? सेवा कर सेवा लेन देन पर सेवा प्रदाताओं पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है, लेकिन वास्तव में इसका वहन ग्राहकों द्वारा किया जाता है। इससे अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यह वित्तीय अधिनियम 1994 के तहत अस्तित्व में आया है। शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उस शिक्षा उपकर को सेवा कर की संशोधित दर में शामिल किया गया है। इस प्रकार सेवा का दर में प्रभावी वृद्धि मौजूदा दर 12.36% से उपकर सहित से 14% तक होगी, जिसमें उपकर भी शामिल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, तो कुछ स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल्स आपको दिया गया कि सर्विस टैक्स की जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, इसकी मैनुअल एंट्री कैसे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है 1/4/2015, विजुअल इफेक्ट इज टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इट हैज टेकन 2000 स्टूडेंट टेक्निकल क्लासेस, द स्टूडेंट हैव टू पी पे मंथली फीस 1500 विद इन सर्विस टैक्स 14%, स्वच्छ भारत 10.50%, कृषि कल्याण 10.50%। 30/4/2015, मेंटेन द जनरल एंट्री विथ सर्विस टैक्स एंड सभी टैक्स पेड टू गवर्नमेंट बाई चेक। यानी विजुअल इफेक्ट एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें 200 स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेनिंग क्लास करते हैं, जिसकी प्रतिमाह फीस है 1500 रुपये, और जिस पर 14% सर्विस टैक्स लगा है, जिसमें स्वच्छ भारत 10.50% और कृषि कल्याण 10.50% लगा हुआ है। तो 30 तारीख को आपको जनरल एंट्री सहित सर्विस टैक्स को सरकार को जमा करना है। तो देखिए इसके स्क्रीन पर, ये स्टूडेंट है, सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है। जैसे 15,400 रुपये का हमारा सर्विस टैक्स की वैल्यू है टोटल ग्रॉस, जिसमें 12% अगर सर्विस टैक्स चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1848 रुपये, और जिस पर आपका चार्ज होता है एजुकेशन सेस यानी 36.96%, फिर उसी 1848 पे 1% चार्ज होता है 1848 रुपये पर, टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू बन जाती है 17,303 रुपये 44 पैसे। तो टोटल स्टूडेंट सब प्लस करके देखा जाए तो ये इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन देखा जाए, अब ये टोटल क्वेश्चन आपको दिखाया गया स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है जिसकी पर मंथ फीस है 1500, तो 2000 से 1500 गुणा किया तो टोटल 30 लाख रुपए का गया है। तो टोटल 30 लाख रुपए की टोटल फीस आ गई है। तो टोटल फीस 30 लाख रुपए है, जिसपे 14% सर्विस टैक्स चार्ज हुआ है, तो 4,20,000 रुपये सर्विस टैक्स आ गया है, और 4,20,000 रुपये फिर 10% कृषि कल्याण निकाला गया है 10.50%, फिर और 4,20,000 रुपये 10.50% कृषि स्वच्छ भारत निकाल गया है। तो स्टूडेंट इसकी एक मैनुअल एंट्री यहाँ बनाई गई है, तो एक मैनुअल एंट्री मैंने बनाया हुआ है 1/4/2015 को, ऑल स्टूडेंट अकाउंट डेबिट। तो टू, सबसे पहले डेबिट के पहले हम ये लिखेंगे टू टेक्निकल सर्विसेज, 30 लाख रुपये जो टोटल स्टूडेंट को जो सर्विस के रूप में जो टोटल का फीस बन रहा है, और टू सर्विस टैक्स जो चार्ज हो रहा है 14%, 4,20,000 रुपये, टू कृषि कल्याण 10.50%, 2100 रुपये आया, और टू स्वच्छ भारत 10.50%, 2100 हो जाए। तो सबको प्लस कर देंगे तो स्टूडेंट से जो रिसीव करना आपको है वो
वो 34,24,200 रुपये रिसीव करेंगे, और 30,015 को इसकी एक रिसीविंग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 34,24,200 टू ऑल स्टूडेंट्स, और इसी टैक्स को फिर सरकार को आपको जमा करना है 30,015 को। एंड सर्विस टैक्स एट द रेट 14% DR, कृषि कल्याण दर एट द रेट 15% DR, स्वच्छ भारत 10.50% DR टू बैंक। तो टोटल जो डेबिट करके जो पेमेंट हुआ है सरकार को, वो 4,24,200 का ये टैक्स जमा किया गया है। तो ये है मैनुअल जनरल एंट्री सर्विस टैक्स पे।